यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान लागू किए गए सीज फायर के खत्म होते ही ऑपरेशन ऑल आउट फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इलाके में कई घंटे तक चली मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। इस एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हो गया है, इसके अलावा एक नागरिक की भी मौत हो गई है। अभी नागरिक की पहचान की जा रही है। सुरक्षा बलों को देर रात ही आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें घेर लिया और अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा इलाके में हुए इस मुठभेड़ में सेना ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। इनमें पुलवामा का माजिद, श्रीनगर का दाऊद और बिजबिहारा का आदिल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मारा गया माजिद हिजबुल आतंकी समीर टाइगर को करीब था। वहीं इनकाउंटर की वजह से श्रीनगर और अनंतनाग में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। रात को इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। वहाँ 3-4 टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर थी और उसमें अभी तक 3 बॉडीज़ दिख रही हैं, रिट्रीव कर रहे हैं उन बॉडीज़ को। और एक पुलिसमैन भी रिपोर्टली मार्टियर हुआ है वहाँ, और सिविलियन 2 जो घर के थे वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की शायद डेथ हो गई।